गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हिंदी मीडियम. यू हैव ऑलरेडी नो आई हैव फिनिश्ड यस्टरडे लेसन 1 फुल्ली एंड सेम क्वेश्चन आंसर्स आल्सो. आफ्टर दैट टुडे आई हैव टू स्टार्ट one poem also of the first lesson of the Hornbill book's name, written by Shirley Thompson. The lesson's name, a photograph is related to the poet's mother. ये जो है poet के माँ से related जो है फोटोग्राफ है, ठीक है. इसी लेसन के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको. देखिए फर्स्ट लेसन में क्या दिया है. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज. कार्डबोर्ड मीन्स फोटोग्राफ. ये जो कार्डबोर्ड है ये जो है फोटोग्राफ से है, जो कि पोएट्स की मदर है, पोएट्स की मदर है. इट इज अ मेमोरीज ऑफ पोएट्स. ये जो है लेखिका की एक जो है यादगार है. आपको पता है बेटा कि हम लोग भी अपने घर में अपने जो एल्डर्स हैं, अपने जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको हम याद करते हैं, उनके जो है आदतों को, उनके भावनाओं को, सारे चीज़ को हम क्या करते हैं, याद करते हैं. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज. कार्डबोर्ड मीन्स रिलेटेड टू द फोटोग्राफ. यहाँ पे पोएट्स बोलना चाह रही हैं कि ये जो है क्या करता है, कार्डबोर्ड शो करता है हमें क्या, हाउ इट वाज कैसा है. वेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेन पैडलिंग मीन्स होता है वॉकिंग विद फीट इन शैलो वाटर. मतलब ऐसा चीज़ बिल्कुल जो कि कम पानी में चलना जो है पैडलिंग कहलाता है. इट वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. इसमें क्या होता है कि जो लेखिका की माँ रहती है, हाँ, दो बच्चों को, ठीक है, जो कि दो कजिन्स रहते हैं, कजिन गर्ल्स रहती हैं, ठीक है, वो तीनों एक साथ बिल्कुल क्या करती हैं, जिसमें कि जो उनकी माँ रहती हैं वो 12 ईयर्स की रहती हैं लेखिका की, वो दो बच्चों के साथ जाती हैं, ठीक है. इसके बाद फिर क्या होता है, एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स आर शो. ये 12 ईयर्स कौन है, 12 ईयर्स जो है उनकी जो है माँ रहती हैं, वो दोनों जो है 12 ईयर्स, इन दोनों जो कजिन्स हैं गर्ल्स, इनकी माँ रहती हैं, ठीक है. और इसके बाद क्या होता है, आई द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस. स्वीट मतलब स्माइलिंग फेस, लिए बिल्कुल जो है, और स्माइलिंग फेस किसका है, अ स्वीट फेस. स्वीट फेस यहाँ पे जो आया है मदर के लिए आया है, कि मतलब जो मेरी माँ क्या थी, जब बिल्कुल एकदम 12 ईयर्स की थी, कितनी खूबसूरत थी, कितनी हैंडसम थी, कितनी प्रिटी थी, इसका जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है ना. और क्या बोलते हैं, माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न. मतलब यहाँ पे जो लेखिका है ये बोलना चाह रहे हैं, जो पोएट्स है, कि जब मैं पैदा नहीं हुई थी तब के पहले, कि जब मेरी माँ 12 ईयर्स की थी, तो कितनी जो है हैंडसम थी, सुंदर थी. एंड द सीज विद अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वाज देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फिट. फिर क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे घूमने के लिए सी शोर जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, वहाँ पे तीनों लोग, और वहाँ पे क्या होती है, बहुत जो है हवा चलती है,
क्या ऑल थ्री स्टूड स्टील टू स्माइल थ्रू देयर हेयर थ्रू देयर हेयर्स मीन्स वहाँ हवा इतना चलता है कि उनके जो बाल हैं बड़े बड़े जो बाल हैं वो हवा से क्या होता है कि बिल्कुल आपके सामने आता है उसके सामने लोग बिल्कुल। और एक अंकल जो रहते हैं इनके वो क्या करते हैं कैमरा लेके फोटो खींचते हैं हाँ बिल्कुल खुश होके। और उसी समय का ये जो है उस टाइम को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। और फिर इसके बाद क्या बोलते हैं माई मदर डैड वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, ये मेरी माँ का वो स्माइलिंग फेस वो सुंदरता वो प्रेटी हाँ ये अब जो है नहीं हो सकता, जिसको देख के सब बिल्कुल खुश रहते हैं और स्माइलिंग करते हैं। और फिर क्या कहते हैं बोलते हैं एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस मीन्स यहाँ पे आप जानते हैं कि जो चीज़ बीत जाती है या जो समय गुजर जाता है फिर वापस नहीं आता है, वहीं होता है विच अपीयर्स जो दिखाता है टू हैव चेंज लेस वाज देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फिट, जो कि ट्रांसिएंट मीन्स इम्परमानेंट ठीक है। और ये जो समुद्र है वो उनके पैरों को क्या करता है धोता है ठीक है। सम 20-30 ईयर्स लेटर मतलब ये जो बात है ये जो हिस्ट्री है ये बिफोर 20-30 ईयर्स के बीच का है, जब मेरी माँ ठीक है 20-30 ईयर्स की पहले की ये बात है। शी लव एट द स्नैपशॉट मीन्स होता है फोटोग्राफ ठीक है। सी बेटी एंड डॉली से एंड लुक हाउ दे बेटी एंड डॉली मीन्स दे आर वहाँ पे क्या बोलती है बेटी एंड डॉली दे आर कजिन, ये लोग कजिन रहते हैं और ये दोनों क्या करते हैं उन है ना माँ को अब हाथ को पकड़े रहते हैं ठीक है। शीड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच BEACH बीच मीन्स होता है समुद्र का किनारा, सी शोर जिसे बोलते हैं बीच मीन्स सी शोर समुद्र का किनारा। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट मीन्स ये जो पास्ट टाइम है जो कि गुजर चुका है उसका यहाँ पे अप्रिसिएशन है, यहाँ पे डिस्क्राइब करता है बोलता है बताता है माइन इज हर लव लफ्टर बोथ रेमिन्स डिसअपॉइंट, जो कि उसको देख के एक निराशा होती है तो उस भूत को देख के और वर्तमान को देख के निराशा होती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने बुजुर्गों को अपने हेरिटेज को अपने हाँ फोर्थ फादर को याद करके है ना उस उनके भावनाओं को उनके विचारों को याद करते हैं और दुख प्रकट करते हैं सोचते हैं और निराश हो जाते हैं कि क्या समय होता है ना ये जो है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ द नेचर बिकॉज हर मदर हैज़ डाइड, क्योंकि उसकी माँ अब नहीं रहती है इसलिए जो है ऐसा सोचता है। विद द लेबर्ड ईज टू लॉस बीज द लेबर मतलब इतना मेहनत होने के बाद इतना सब करने धरने के बाद भी आदमी क्या होता है फिर लॉस में रहता है, लॉस मीन्स इस दुनिया से चले जाता है हाँ। जैसे आप देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमारे जो ग्रैंडफादर होते हैं फोर्थ फादर होते हैं बहुत सारे चीज़ बनाते हैं यहाँ और फिर इसके बाद क्या होते हैं हाँ किसी की भी बॉडी जो है क्या होती है डिस्ट्रॉयड हो जाती है रुइन हो जाती है। इस यहाँ पे जो शब्द है लेबर्ड इज ऑफ लॉस मीन्स यही है ठीक है। नाउ हैव टू स्टार्ट इन थर्ड पैराग्राफ, अब हम तीसरे पैराग्राफ को पढ़ाते हैं बताते हैं इसमें। नाउ सी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स हाँ नाउ सी इज बीन
there nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It is silence. Silence. ये जो साइलेंस शब्द है क्या है कि ये सब जितने भी सारी चीज इस दुनिया के, ये जो रंगमंच दिख रहा है, ये जो ड्रामा दिख रहा है, ये जो हम पूरे संसार को देखते हैं, सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, मेरे माता जी को मरे, मतलब बोल रहे हैं कि बहुत सालों हो गया. एज दैट गर्ल लिव्ड, जब वो एक समय ऐसा था कि जब एक वो लड़की के रूप में थी. ये जो फोटोग्राफ है, ये जो फोटो है ना, ये क्या है, लेखिका के माँ की है, उसी का देख के वो जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं एंड डिस्क्राइब करते हैं. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज, इट इज सर्कमस्टेंसेज ऑफ द नेचर, ये जो सर्कमस्टेंसेज है, ये जो प्रकृति का एक सिस्टम है, हाँ, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, सब होने के बाद भी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं. इट्स साइलेंस, साइलेंसेस, बस ये सब सारा चीज देख के फिर लेखिका जो है शर्ली टॉल्सन बिल्कुल शांत हो जाती हैं, और शांत हो के बिल्कुल ऐसे देखती रहती हैं उस फोटोग्राफ को कि क्या संसार है, है ना, इस संसार में बस क्या है, यहाँ लोग आते हैं और आना और जाना होता है, कितना भी कुछ कोई बना ले लेकिन कोई परमानेंट कोई चीज़ यहाँ की नहीं है. इट इज़ कॉल्ड हियर टेरेबल ट्रांसिएंट फेट. ठीक है बेटा, अब ये लेसन जो है बिल्कुल लास्ट हो जाता है. अब इसके बाद जो है हम इसके आगे क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे, भेज देंगे आपको सेंड करके. और बेटा जल्दी जल्दी लेसन को कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका कोर्स बहुत ही पीछे चल रहा है न्यू सिलेबस आने कारण. ठीक है, इफ़ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब.